जब आप 24-25 की उम्र के हो जाते हो और आप कोई भी शादी में जाते हो, स्पेशली अपने फैमिली के शादी में जाते हो, तो एक ही सवाल आपसे सारे एल्डर्स करते हैं, तुम्हारी शादी कब होगी। मेरे लिए तो मतलब ऐसा हो गया है कि उससे ज्यादा मेरे कमेंट सेक्शन में पूछते रहते हैं लोग कि आप शादी कब करोगे। सो इट्स क्वाइट फनी। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप ऑल guys are doing extremely well. I'm sorry कि पिछले हफ्ते का वीडियो थोड़ा लेट हो गया और इस हफ्ते आ रहा है। जब से मैं रन से आई हूँ, मैं बिजी हूँ विथ वर्क, प्लस मेरी बहन जो है उसकी शादी है, मेरी कजन सिस्टर की शादी है, निकिता की शादी नहीं है, हमारे फैमिली के इस जनरेशन की पहली शादी है, तो उसी में इंजॉय करने में और सारी चीजों में लगी हुई थी। I couldn't upload a vlog और आज शादी का दिन है, इट्स द 18th of Jan, सुबह के 9 o'clock हुए हैं और हम सब रेडी होके शादी के वेन्यू पे जा रहे हैं। कल मेहंदी था इसलिए मेरे हाथों में मेहंदी लगी है, 10 साल के बाद ऑलमोस्ट मेहंदी लगाई, तो अच्छा लगा, बिकॉज यू नो मेहंदी कैसे नहीं लगा सकते अगर आपकी बहन की शादी हो। कल हल्दी भी था, यस्टरडे वाज सो मच फन। घर पे बिकॉज वहीं से निकल के फिर हॉल जाना है जहाँ पे बारात आने वाली है जल्दी, बिफोर द फेराज एंड एवरीथिंग टेक प्लेस। हो गया है डन, शाम के 4 बज रहे हैं, घर जाना है वापस, अंधेरी से मलाड जाना है, फिर चेंज करके वापस रिसेप्शन के लिए आना है, तो बहुत ज्यादा बिजी डे है लेकिन काफी मजा आ गया। अगला दिन है और मैं इतनी खुश हूँ बिकॉज मैं जस्ट अपने 10 घंटे नींद कंप्लीट करके उठी हूँ और मुझे इतना अच्छा लग रहा है आज, बिकॉज पिछले 3-4 दिनों से मैं सिर्फ बैली 4 घंटे या 5 घंटे मैक्सिमम सोई हूँ, तो बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी मुझे। कल जैसे ही रिसेप्शन खत्म हुआ आई वॉज लाइक डेड स्लीपी और मेरे पूरी बॉडी में इतना दर्द हो रहा था कि आई जस्ट वॉन्ट टू स्लीप। मुझे कीड़े तो है ही। कल सैटरडे नाइट था रात को, तो मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए गई थी 2 घंटे, तो जैसे ही मैं घर आई आई जस्ट क्रैश्ड ऑन दिस बेड लाइक एनीथिंग। ये जो मेरा नया मैट्रेस है ना, इस पे सोने का मजा ही कुछ अलग है। आई डोंट नो इफ यू गाइस रिमेंबर, पर जो मेरा स्पेस का होम टूर वीडियो था उसमें मैंने दिखाया था कि निखिल ने मुझे अपने सिंगल बेड के लिए एक फ्लो मैट्रेस गिफ्ट किया था और उसको ट्राई करने के बाद इट वॉज सो गुड कि मैंने ये घर के लिए अपने बेडरूम के लिए वो मैट्रेस मंगाया था, डबल बेड साइज वाला। पुराना जो मैट्रेस था वो बहुत ही ज्यादा गंदा हो चुका था एंड वो बहुत मतलब अनइवन हो गया था उसका गद्दा यहाँ वहां से, तो बिल्कुल भी अच्छी स्लीप नहीं आ रही थी और बैक में बहुत दर्द होता था। सोचा इट्स द राइट टाइम फॉर मी टू गेट अ न्यू मैट्रेस और निखिल बोलते रहता कि फ्लो इतना अच्छा है, फ्लो इतना अच्छा है, और मैं ट्राई करने के बाद कन्विंस हो चुकी थी। अपने लिए लिया ये एलोवेरा जेल इन्फ्यूज्ड कवर वाला फ्लो मैट्रेस बिकॉज उस पर लिखा था कि इट्स वेरी गुड फॉर स्किन। बेड पे मोस्टली मैं और मेरी बहन सोते हैं और कभी कभी मम्मा सोती है, तो आई वाज लाइक इट्स द बेस्ट थिंग, लेट मी गेट दिस वन। मैंने इसको एक्चुअली न्यूयॉर्क जाने से पहले ऑर्डर किया था, तो जिस दिन मैं अपने न्यूयॉर्क की ट्रिप के लिए निकल रही थी जस्ट तभी ये डिलीवर हुआ है। फाइनली माय मैट्रेस हैज अराइव्ड, लेकिन थोड़ा लेट आया, मैं अभी अपने ट्रिप के लिए जा रही हूँ तो आके इसके बारे में बात करूंगी। ये स्पेशल एलोवेरा वाला मैट्रेस है। मेरे मॉम डैड ने इसको मेरे बेड पे अच्छे से बिछा दिया था और मेरी बहन मुझे एक्चुअली बोल रही थी कि इस पे तो बहुत अच्छा स्लीप आता है बिकॉज इस पे बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं होती और ये मेमोरी फोम मैट्रेस की यही बढ़िया चीज़ होती है कि अगर आपके बाजू में कोई सोता है या बहुत ज़्यादा टर्न वर्न लेता है रात को तो आपको फील भी नहीं होगा। एंड आई हैड टू एक्चुअली टेस्ट इट फॉर माई सेल्फ, तो जब मैं इसके ऊपर सोई एक्चुअली बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं होता बिकॉज मुझे खुद बहुत आदत है उलट पुलट के सोने की रात को, तो मेरी बहन को बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस फील नहीं होता अभी और इस पे इतनी अच्छी नींद आती, इतनी गहरी नींद आती, दैट्स व्हाट आई हैव ऑनेस्टली नोटिस्ड, तो बहुत अच्छा लगा है। नॉर्मली जब आप ऐसी मैट्रेस मार्केट में खरीदने जाते हो तो इट कम्स अराउंड 40,000 to 50,000 रुपीज, पर ये 9,900 रुपीज से स्टार्ट होता है। बिग शाउट आउट टू फ्लो मैट्रेस क्योंकि वो लोग 100 नाइट ट्रायल देते हैं इस मैट्रेस पे, मतलब कि आप 100 रात तक इसको ट्राई कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपको अच्छी नींद नहीं आ रही है तो आप इसको रिटर्न करके आपके पैसे रिफंड हो जाएंगे, सो दैट नोबडी डज, सो इट्स अ ग्रेट थिंग। प्लस इसके ऊपर
10 years का वारंटी है, विच इज अ लॉट. जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन पर्पस, अभी मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि मेमोरी फोम मैट्रेस एक्चुअली होता क्या है. सो मेमोरी फोम मैट्रेस का बना होता है ये पूरा मैट्रेस, और मेमोरी फोम जो होता है वो आपकी बॉडी की हीट को यूज करके बेसिकली आपकी बॉडी के शेप के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करता है ताकि आपको एकदम अच्छी स्लीप आए. अगर आपने इस पे चाय या कुछ रखा है और अगर आप उसके बाजू में आके खुद ही मारे और कुछ भी करो तो चाय या पानी बिल्कुल भी स्पिल नहीं होगा. तो पानी का ग्लास यहाँ पे, आई एम गोना सेट विद फुल फोर्स, इट्स नॉट फॉलिंग. बेड पे अगर दो लोग सोते हैं तो आपको दूसरे इंसान के हलचल से बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं होगी, सो दैट्स वेरी नाइस. और मुझे तो आदत है कि मैं बेड पे ही बैठ के अपनी कॉफी पीती हूँ सुबह की, विच इज़ अ बैड हैबिट, लेकिन उसकी वजह से मेरा पुराना मैट्रेस बहुत ही ज़्यादा खराब हो गया था. मैं न्यूयॉर्क से वापस आई तो आई डिड द एक्सपेरिमेंट, मैंने अपना यहाँ पे थोड़ा सा पानी रखा एंड आई जंप्ड एंड द वाटर डिड नॉट फॉल, सो आई वाज क्वाइट इम्प्रेस. मेरी बहन को बिलीव नहीं रहा तो मैंने उसको भी वो करके दिखाया तो बहुत इंप्रेस हो गई वो. तो अभी मुझे चाय वाय पीना, कॉफी पीना अलाउड है बेड पे. मुझे पता है कुछ लोग बोलेंगे कि शैनिस मैट्रेस के बारे में इतना ज्यादा बात व्लॉग में कौन करता है, बट आई जस्ट थॉट ऑफ शेयरिंग इट विद यू गाइस बिकॉज स्लीप इज सो इम्पॉर्टेंट टू ऑल ऑफ अस. बहुत सारे लोगों को अच्छी नींद नहीं आती और बॉडी पेन होता है रात को सोने की वजह से, तो स्लीपिंग ऑन द राइट मैट्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और मैंने सोचा कि मैं अपना रिव्यू शेयर करूँ इस मैट्रेस के बारे में बिकॉज इट इज रियली वेरी वेरी गुड. आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट मैट्रेसेज आई लेप्ट ऑन. आज बड़े दिनों बाद मुझसे मेरा दोस्त मिलने आया है और जैसे घर पे आया पूछता है खाने के लिए क्या है, तो मेरी बहन ने क्या कौन सा सूप है, ब्रोकली सूप बनाया था. तो निखिल को हेल्दी खाना बहुत पसंद है, आजकल डाइट वाइट कर रहा है, मैं वाला बाहर खा के आता है, अच्छा घर में कुछ ना कुछ अच्छा मिल ही जाएगा, सूप पी रहा है. लेकिन बात ये है कि निखिल इतने टाइम के बाद मुझसे मिलने आया. एक्चुअली जब से हम गुजरात से आए हैं, न्यूयॉर्क से आए, जब भी हम सिर्फ कोई कहीं बाहर जाते हैं काम के लिए तभी मिलते, वरना नहीं मिलते अभी. बिकॉज निखिल सेठ बिकॉज निखिल सेठ बहुत अभी बिजी आदमी बन गए. 2020 में बॉलीवुड का अगला गाना भी आ रहा है कल. बॉलीवुड बॉलीवुड का नहीं आ रहा, यूट्यूब में आ रहा है भाई. बॉलीवुड बोलो मत, अपन छोटे से यूट्यूबर है, थोड़ा इनिशिएट कर रहे हैं, बिजी है. गौर करना अगला जो गाना आ रहा है उसमें प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर उसके प्रोड्यूसर. झूठ झूठ, मैं प्रोड्यूसर नहीं हूँ. चल वे ऊपर मैं देखा था मुंबई कर निखिल प्रोडक्शन, उसका मतलब क्या होता है? आगे आगे अभी नहीं, अभी पैसे नहीं है. तो हवाई से लिटिल मुंबई कर निखिल प्रोडक्शन जगह दिखा के लिख दिया. अच्छा चल बे. अच्छा तूने देखा, तुझे कैसा लगा गाना बता? गाना हाँ. तो मैंने गाना देखा, गाना बहुत ही ज्यादा अच्छा है. निखिल हैज फुल स्कोप टू बी इन बॉलीवुड. और मैं आपको बताता हूँ एक चीज कि उस गाने में शैनिस मिसेज रहने वाली थी, बट शैनिस मेड अ वेरी स्मार्ट डिसीजन. बोला देख निखिल, इट इज योर सॉन्ग, तू पहले कर. बिकॉज अगर पहले ही गाने में, बिकॉज क्या होता है कि जब आप इस लाइन में जाते हो ना, आपको बहुत सोचना, स्ट्रेटेजिकली सोचना पड़ता है. और शैनिस का इसमें दिमाग बहुत ज्यादा चलता है बिकॉज इस इंडस्ट्री से रहती है. तो शैनिस के नक्शे कदम पर चलते अपन ने ये किया है. उसके बाद मैडम जब मर्जी होगी दबाई. एक्चुअली नहीं, निखिल को मुझ जैसी मोटी मॉडल नहीं चाहिए इसके गाने के लिए. मजाक करी मैंने इसका, बोला कि लेट मी लूज वेट फर्स्ट, फर्स्ट यू स्टार्ट एंड गो अहेड एंड डू दिस बाय योरसेल्फ. बिकॉज निखिल को बहुत टाइम से एक्चुअली ऐसा कुछ करना था एंड दिस वाज द राइट टाइम बिकॉज अभी वो ट्रांसफॉर्मेशन भी कर रहा है. अगले 6 महीने में तेरे 6-pack abs निकल आएंगे. 3-4 महीने तो फिर सारा अली खान के साथ नेक्स्ट बॉलीवुड गाना आएगा, है ना? नहीं, सारा अली खान को डेट नहीं दूंगा मैं. डेट नहीं देगा? डेट मतलब टाइम नहीं दूंगा. मुझे इसको पहले इसके डैडी को मिलना है, सैफ अली खान को. आई एम बिग फैन ऑफ सैफ अली खान. क्या पहले बोलता है सारा अली खान से प्यार करता है, फिर बोलता है अभी सैफ अली खान से प्यार हो गया है. आई लाइक हर, हु डजंट लाइक हर? ऑल द बॉय, ऑल द गाइस लाइक हर. इज इट? डू ऑल द गाइस लाइक हर? आई डोंट थिंक सो. आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स हु डोंट लाइक हर. अभी तो बोलेगा उन लोगों को फिर. अब कौन से कैटेगरी के फ्रेंड बना दिए, क्या मालूम. अबे ए, तू भी मेरा फ्रेंड ही है, कौन से कैटेगरी के फ्रेंड बनाते हैं. अगर सारा अली खान किसको पसंद नहीं है? शी इज टैलेंटेड, शी इज ब्यूटीफुल. जो भी नया माल आया उसमें अच्छा है. निखिल यू आर, क्या कहना तुम्हारा, क्या कहना. मैं सारा अली खान डेटी हूं, ऐसी मेरी इच्छा है. लेकर मेरे पुराने दांत जितना व्हाइट है तेरा दांत, जिसको नहीं पता. एक हफ्ते पहले व्हाइटनिंग की थी, मेंटिस सेड कि निखिल के जो दांत अभी हुए हैं ना उतने सफेद, शानिश के दांत ऑलरेडी थे ट्रीटमेंट करने से पहले. और अच्छा हुआ कि निखिल ने पहले किया बिकॉज मेरी जितनी सफेदी देखता ना अगर मैं पहले करी तो बहुत सैड हो जाता. ऐसा डॉक्टर ने बोला, अभी निखिल डिनाई करेगा बिकॉज फिरा के शब्द इधर उधर जोड़ के बोल रही है. उसने बोला कि शानिस टीथ वाज मच व्हाइटर देन इतना कुछ जा मेरे अंदर. भाई ठीक है, इसके दांत एकदम पर्ल मोती आ जा.
बख्श दिया। शादी में जब मैं स्माइल करी थी ना अपने बहन के, सब लोग देख रहे थे कि टीटा वेरी नाइस, मेरी बहन बोलती तू स्माइल करके मुझे मत दिखा, ऐसे रहेगा, मुझे बहुत सैड था, मैं बाजार मुझ के ऐसे स्माइल करी थी। क्या बोलता है? गो अहेड, जीरा सीरी एक्टिवेट हुआ। डोंट डू दैट, माय कैमरा जस्ट डाइड एंड लेफ्ट दिस यूनिवर्स। तो मैंने सोचा था कि आज ये व्लॉग मैं कंटिन्यू करूंगी, लेकिन रात को एडिट करने के बाद पता चला कि वीडियो ऑलरेडी लंबा बन चुका है। सो आई वाज लाइक लेट मी फिनिश द वीडियो हियर, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। आई होप यू गाइस एंजॉयड इट, डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। क्यूरियस सोल जो सोच रहे होंगे कि शानिस आखिर में तुम शादी करोगी कब, तो अगले एक या दो साल में ज़रूर शादी कर लूँगी। हैप्पी नाउ।